आधुनिक बहू और प्राचीन सास। पल्लवी की शादी कुछ ही दिनों पहले रचित से राजपुर नाम के शहर में हो जाती है। एक दिन पल्लवी की सास इंदु उसे कुछ काम बताती है। बहू, ये मिर्चियाँ ऊपर छत पर सुखा दे, इन्हें कूट कर मिर्ची पाउडर बनाना है। पल्लवी को इंदु की ये बात सुनकर हंसी आ जाती है। अरे मम्मी जी, आजकल कोई भी मिर्ची घर पर नहीं कूटता, बाजार से ही खरीद लेते हैं सब। खरीदते होंगे, पर इस घर में पुराने तौर तरीके ही चलते हैं बेटा। अरे पर जब सब चीजें आधुनिक हो गई है तो इतनी मेहनत करके टाइम क्यों वेस्ट करें? ओहो, अच्छा तो घर का काम करना तुम्हें टाइम वेस्ट लगता है? ऐसा नहीं है मम्मी जी। अच्छा छोड़िए, मैं मिर्ची सुखा देती हूँ। अगले दिन पल्लवी नाश्ता बनाकर शांति से अपने कमरे में किताब पढ़ रही होती है, तभी उसकी सास आवाज लगाती है। अरे बहू, बाहर तो आना जरा। जी मम्मी जी, क्या हुआ? बहू, एक काम करो, ये मैदा मैं लेकर आई हूँ, इसे गोंदो जब तक मैं नहा लेती हूँ। अरे वाह मम्मी जी, आज कुछ स्पेशल बनेगा क्या? अरे नहीं नहीं, मैंने देखा रसोई में आज जौ खत्म हो गए, तो सोचा आज हम दोनों मिलकर जौ ही तोड़ लेते हैं। पल्लवी ये सुनकर चौंक जाती है। क्या, जौ हम तोड़ेंगे? मम्मी जी, उसमें तो पूरा दिन बीत जाएगा। हाँ तो क्या हुआ, अच्छा है ना, काम करते करते दिन बीत जाएगा। अरे मम्मी जी, जौ तो बाजार में भी मिलते हैं बने बनाए, फिर क्यों ये सब? अरे बहू, तुमने फिर मार्केट की रट लगाना शुरू कर दिया। तुम्हें बताया था ना कि हमारे घर में ऐसा ही होता है। इंदु पल्लवी से पुराने तौर तरीकों से काम कराती थी, और पल्लवी जब भी कोई किताब पढ़ने या कोई फिल्म देखने बैठती तो हमेशा ही इंदु उसे कोई ना कोई काम दे देती जिसमें काफी वक्त लगता था। पल्लवी को ना ही खुद के लिए समय मिलता था और ना ही अपने पति के लिए। सुनिए जी, आप मम्मी जी को कुछ कहिए ना कि वो घर में मिक्सी ले आए, सिलबट्टे से तो मेरे हाथों में ही दर्द हो जाता है। अरे अब मैं क्या बोलूं, तुम दोनों के आपस का मामला है, और वैसे भी घर की बनी हुई चीजों से जो हमारे घर में खाना बनता है ना, बहुत स्वादिष्ट होता है, मेरे ऑफिस वाले तो बहुत तारीफ करते हैं। अरे खाना बनाने के अलावा जीवन में और भी कुछ काम होता है कि नहीं? ये किताब ही ले लीजिए, एक महीने से इसे मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ। मम्मी जी के इस तरह के काम से इतनी थकान हो जाती है ना कि कुछ करने का मन ही नहीं होता, और ना कहीं घूमने जाने का। ओफो पल्लवी, मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता, प्लीज मेरा सर मत खाओ। ठीक है, तो फिर ये समस्या अब मैं अपने तरीके से ही सुलझाऊंगी। अगले दिन इंदु अपने कमरे से रसोई में आती है तो देखती है कि वहाँ गैस ही नहीं है और एक चूल्हा रखा हुआ है। ये चूल्हा यहाँ क्या कर रहा है, और हमारी गैस कहाँ चली गई? तभी वहाँ पल्लवी आ जाती है, उसके हाथ में बहुत सारी लकड़ियाँ होती है। अरे बहू, ये क्या कर रही हो? मम्मी जी, मुझे समझ में आ गया है कि पुराने तौर तरीकों से ही रसोई का काम अच्छे से होता है, तो मैंने सोचा क्यों ना हम भी आज से चूल्हे में ही खाना पकाएं। इंदु को ये बात कुछ हजम नहीं होती। अरे बहू, ये गांव नहीं, यहाँ चूल्हा नहीं जला सकते। क्यों नहीं जला सकते मम्मी जी, हमारे घर में हम कुछ भी करें। चलिए आज हम चूल्हे पे ही नाश्ता बनाते हैं। पल्लवी फूंकनी से लकड़ियाँ जलाती है और चूल्हा तैयार करती है, पर उसकी वजह से दोनों सास बहुओं को बहुत खांसी उठ रही होती है। अरे बहू, ये क्या बवाल लेके आ गई तुम घर में। मम्मी जी, मैं तो आपके बताए हुए मार्गदर्शन पर चल रही हूँ। दोनों खांसने लगती है। कोई नहीं मम्मी जी, पहली बार बना रहे थे ना। अगली बार से ध्यान रखेंगे कि कितनी लकड़ियाँ डालें। अभी तो आज दोपहर का और रात का खाना भी बाकी है। इंदु को ये सुनकर टेंशन होने लगती है, उसे प्यास लगती है और वो फ्रिज से पानी लेने जाती है तो देखती है कि फ्रिज की जगह पर मटका रखा हुआ है। बहू, हमारा फ्रिज कहाँ चला गया? मम्मी जी, वो तो मैंने बेच दिया, मैंने सोचा मटके में पानी पीना बहुत फायदेमंद होता है, इसलिए मैं ये मटका लेकर आ गई मम्मी जी। अरे लेकिन फ्रिज में और सब चीजें भी तो रखी जाती है, पानी के अलावा सब्जी दूध, उसका क्या करेंगे, कहाँ रखेंगे हैं? मम्मी जी, ये फ्रिज ही हमारी सेहत खराब करने की जड़ है, हम बचा हुआ खाना इसमें रखते हैं और फिर वही बासी खाना हम खाते हैं अगले दिन। लेकिन अब हम सिर्फ उतना ही सामान लेंगे और उतना ही खाना बनाएंगे जितने की जरूरत हो। पल्लवी धीरे धीरे करके घर से सारी आधुनिक चीजें हटा देती है। गर्मी का मौसम होता है और पल्लवी को एक तरकीब सूझती है, वो घर का एसी हटा देती है। अरे बहू, ये एसी कहाँ गया, बड़ी गर्मी लग रही है, खराब हो गया है क्या? नहीं मम्मी जी, मैंने ही हटवा दिया, पता है एसी की हवा कितनी हानिकारक होती है, उसके बजाय ये लाई हूँ मैं आपके लिए, ये लीजिए पंखा और हवा कीजिए।
इंदु को अब गुस्सा आ जाता है। अरे अब बस बिगर बहू, घर का सारा सामान ही बेच दिया क्या तूने? अरे हम शहर में रहते हैं, गांव में नहीं। जमाना कितना आगे बढ़ गया है, ये सब चीजें हमारी सहूलियत के लिए है, इतना भी नहीं जानती? कितना वक्त बचाती है ये सब आधुनिक चीजें हमारा। हाँ तो माँ जी, बाजार में बनी रेडीमेड चीजें भी तो हमारा कितना समय बचाती हैं। इतना काम करने से बच जाते हैं हम, तभी तो जीवन में और कुछ भी करने का वक्त मिलता है ना माँ जी। सास को अपनी गलती का एहसास होता है। सही कह रही है बहू, मैंने ही अपनी जिंदगी को इतना कठिन बनाया हुआ था इतने सालों से, पर अब नहीं, अब हम घर का काम आधुनिक तरीकों से ही करेंगे और खाली समय में अपने शौक पूरे करेंगे। ये हुई ना बात मम्मी जी। दोनों प्रियंका की शादी सहारनपुर के एक शहर में ध्रुव से हो जाती है। प्रियंका एक इंटीरियर डिजाइनर होती है और उसका अपना एक बिजनेस होता है। ध्रुव का घर बहुत ही साधारण सा दिखता है। उनके घर में हर चीज पुरानी और घर के हिसाब से बिल्कुल अलग होती है। प्रियंका को लगता है कि वो इस घर को बहुत ही सुंदर बना सकती है। ध्रुव, ये घर बहुत ही पुराने तरीके से डेकोरेटेड है। अच्छा, मुझे तो नहीं लगता। कभी ध्यान दोगे तो लगेगा ना, ऐसा लगता है कि हम शहर में रहकर भी गांव में रहते हैं। अच्छा, तो इस दिवाली तुम्हारे मनपसंद कलर से पेंट करवा देंगे, ठीक है? ओहो, पेंट से क्या होगा, ये फर्नीचर इतना पुराना हो गया है, खुद कह देता होगा कभी तो। भगवान के लिए बदल दो, भगवान के लिए मुझे बदल दो। कुछ भी बोलती हो तुम प्रियंका, अरे कितना सुंदर लगता है ये सोफा। हाँ, साइज देखा है इस घर के फर्नीचर का। ऐसा लगता है घर नहीं, गोडाउन है। मुझसे नहीं, मम्मी और पापा से बात कर लो इस बारे में, ये सब उन्हीं की पसंद का आया है। हाँ, तभी तो इतना ओल्ड फैशन है। कुछ कहा क्या? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, आप जाइए ऑफिस जाइए। ध्रुव ऑफिस चला जाता है और प्रियंका अपनी सास से बात करने की सोचती है। मम्मी जी, मैं क्या सोच रही थी कि अगर हम इस संदूक को यहाँ से हटा दें तो काफी जगह बच जाएगी ना। इसे हटा देंगे और सामान कहाँ रखेंगे, अपने सर पर? अरे मम्मी जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? देखिए ना, उसमें से एक भी चीज तो काम की है नहीं, तो क्यों ना हम उसे बेच दें? नहीं बहू, उसमें हमारे पुराने घर का बहुत ही अच्छा सामान है। पापा जी, ये घर भी तो पुराना ही लगता है। एक दिन प्रियंका की सहेली प्रिया उसके घर आती है। प्रिया घर को देखकर हंस पड़ती है। इतनी अच्छी इंटीरियर डिजाइनर का ससुराल तो किसी पुराने म्यूजियम जैसा लगता है। क्या बताऊं, यहाँ तो किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। अरे जब सीधी उंगली से घी ना निकले ना, तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। हाँ, शायद तो ठीक कह रही है। अगले दिन प्रियंका की सास सोफे पर बैठी होती है तो देखती है कि सोफे का कपड़ा नीचे से फट गया है। अरे ये क्या, ये कपड़ा कैसे फट गया? मम्मी जी, मुझे लगता है कि ये किसी चूहे का काम है। क्या, चूहा फिर से? सास सोफे पर चढ़ जाती है। अब तो मम्मी जी, चूहा इस सोफे में अपना घर बना लेगा। क्या, तो क्या करे बहू, तू ही कुछ सुझाव देना। मम्मी जी, हमें स्टील वाले छोटे सोफे बना लेने चाहिए, ताकि चूहे को घर बनाने के लिए जगह ही ना मिले। तू सही कह रही है बहू, मैं अभी तेरे ससुर को बोलती हूँ नए सोफे लाने के लिए। मम्मी जी, नए सोफे लाने की कोई जरूरत नहीं है, हम इन्हीं से सोफे बना सकते हैं, आप बस देखती जाइए। प्रियंका सोफे तो नए बना लेती है, पर अब उसमें सिर्फ दो ही लोगों के बैठने की जगह होती है। अरे ये क्या, इसमें तो बस दो ही लोग बैठ सकते हैं। अरे बहू, तुझे तो पता ही है हमारे घर कोई ना कोई आता ही रहता है, इतनी सी जगह में हम कहाँ बिठाएंगे उन्हें। अरे मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, उसका भी इंतजाम हो गया है, मैंने इस संदूक के ऊपर गद्दा लगवा दिया है और इसे पेंट करवा दिया है। ध्रुव उस पर बैठने की कोशिश करता है, पर संदूक की ऊंचाई ज्यादा होती है, इसलिए उसे बैठने में दिक्कत हो रही होती है। प्रियंका, कम से कम ये तो देखती कि संदूक की लंबाई कितनी ज्यादा है, ये बैठने में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। अरे आप भी ना, ये आजकल ट्रेंड में है, आपको तो कुछ पता ही नहीं है। प्रियंका धीरे धीरे घर की पूरी काया पलट कर देती है। एक दिन प्रियंका के ससुर के कुछ दोस्त घर पर आते हैं। नमस्ते बेटा, कैसी हो तुम? जी मैं ठीक हूँ अंकल जी, आप कैसे हैं? आइए आइए, अंदर आइए। अरे घर तो बड़ा खाली खाली लग रहा है, कहीं घर तो खाली नहीं कर रहे ना आप लोग? अरे नहीं नहीं,
ये तो हमारी बहू का कमाल है, तुम बैठो ना रमेश। रमेश को संदूक दिखता है और वो उस पर बैठने की कोशिश करता है और पीछे तक ना होने के कारण जैसे ही वो पीछे होता है गिर जाता है। अरे रमेश तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ ठीक ही हूँ, बस आज तो बाल बाल बच गया मैं। सब लोग गुस्से से प्रियंका की तरफ देखते हैं। अब रमेश अंकल को बैठना नहीं आता तो इसमें संदूक की क्या गलती है? नहीं बहू, गलती तो हमारी है जो तुझे घर का मेकओवर करने दिया। सही कह रहे हैं आप बहू, तू हमारे घर को पहले जैसा ही बना दे। ठीक है, आप लोग गुस्सा मत होइए, मैं घर को पहले जैसा ही कर देती। अमीर ननद की गरीब भाभी रीना एक मध्यम परिवार की लड़की थी, लेकिन उसकी भाभी शिवानी एक बड़े घर की बेटी। शिवानी की शादी अभिषेक से लव मैरिज थी। अरे भाभी ये कितना अच्छा सूट पहना है आपने, काश ऐसा मैं भी पहन पाती। अरे क्यों नहीं रीना, वैसे भी तुम्हारा और मेरा नाम तो एक ही है, जब मन करे पहन लेना। भाभी आपको आपके पापा ने कितने अच्छे कपड़े गहने दिए हैं। मैं उनकी इकलौती बेटी जो हूँ। बेटी तो मैं भी इकलौती हूँ, लेकिन क्या करे पापा है नहीं, पता नहीं कैसे होगी मेरी शादी। तभी वहाँ शिवानी की सास आ जाती है। अरे क्यों नहीं करेगा भाई तेरी शादी धूमधाम से, आखिर जिम्मेदारी है तो उसकी। और वो दिन भी आ जाता है जब रीना की शादी तय हो जाती है। अभिषेक क्या हुआ, आप इतने परेशान तो कभी नहीं दिखे, कोई बात है तो बताइए मुझे। अरे शिवानी वैसे तो शादी का सारा इंतजाम हो गया है, लेकिन गहनों का रेट तो आसमान छू रहा है, कैसे क्या करूँ कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। थोड़ी देर में शिवानी अपने पूरे गहने अभिषेक के सामने रख देती है। ये लीजिए गहनों का इंतजाम भी हो गया। अरे नहीं नहीं शिवानी, मैं ये गहने किसी हालत में भी नहीं ले सकता, ये तुम्हारे पिता ने तुम्हें दिया था और तुम हो कि। तभी वहाँ सास आ जाती है। अरे तो क्या हुआ, इसकी तो हो गई ना शादी, अब किसे दिखाने हैं इसने गहने। सास गहनों का डिब्बा शिवानी के हाथ से लेकर वहाँ से चली जाती है। रीना की शादी धूमधाम से होती है और अब वो बड़े घर की बहू बन जाती है। वहीं रीना की शादी के बाद शिवानी और अभिषेक उसकी शादी के कर्जों से डूब जाते हैं। मैं सोच रही हूँ नौकरी करनी शुरू कर दूँ, वैसे भी पढ़ी लिखी हूँ, आपकी थोड़ी मदद भी हो जाएगी। वैसे शिवानी कुछ दिन कर लो तो अच्छा ही होगा, क्योंकि जरूरत भी है। अब शिवानी भी नौकरी करने लगती है और घर खर्चे में अभिषेक का हाथ बटाती है। एक दिन शिवानी रीना का फोन आया था, कह रही थी कि आने वाले त्योहार में उसके ससुराल जाना है। ठीक है माँ। अरे ठीक तो है, लेकिन एक काम कर लेना, उसके सास ससुर से लेकर पूरे खानदान के कपड़े मिठाइयाँ सब ले आना, और हो सके तो रीना के लिए छोटे से कान में पहनने के बूंदे भी। वो क्या है ना, शादी में उसे सारी बड़ी बड़ी कान की ज्वेलरी दी थी, घर में पहनने के लिए तो उसके पास कुछ भी नहीं है। शिवानी सोच में पड़ जाती है कि वो क्या करे, क्योंकि कर्जों और घर के खर्चों के बाद तो पैसे बचते ही नहीं थे। शिवानी फिर अपने पिता को फोन करती है और उनसे पैसे मांगती है। देखो शिवानी, मैंने तुम्हें शादी के वक्त ही मना किया था कि ऐसे घर में शादी करनी ही नहीं चाहिए। अरे अभिषेक को शर्म आनी चाहिए जो ससुराल से पैसे मंगवा रहा है। शिवानी को पिता की बात पर गुस्सा आ जाता है। आप मेरे पिताजी हैं और मैं परेशान थी इसलिए आपसे मदद की उम्मीद की पापा, अभिषेक को तो पता भी नहीं है कि मैंने आपसे पैसे मांगे हैं। शिवानी सोचती है कि वो अभिषेक से बात करे, लेकिन फिर उसे लगता है कि वो टेंशन ले लेगा। तभी शिवानी की नजर हाथ के कंगन पर पड़ती है, सीधे बाजार जाती है और उसे बेचकर ननद के घर ले जाने का सारा सामान लेकर आती है और सास के सामने रख देती है। ठीक है, लेकिन अब हल थोड़े और अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए थे। शिवानी कुछ नहीं कहती, वहाँ से चली जाती है। एक दिन शिवानी रीना का फोन आया था, बहुत रो रही थी। क्यों माँ क्या हुआ, सब ठीक तो है ना उसके ससुराल में? अरे तूने तो उसकी नाक ही कटवा दी। अब मैंने क्या कर दिया माँ? कह रही थी कि बड़े घर की बहू है भाभी, जो कपड़े दिए वो ब्रांडेड भी नहीं थे, तू तो जानती है ना उन लोगों का पहनावा कितना अच्छा है, तू तो मेरी बेटी का भला कभी सोचती नहीं। हाय भगवान, अरे बड़े घर की बहू है इसी बात की जलन है ना तुझे, लेकिन याद रख मेरी बेटी का सोचने के लिए भगवान है, तुम लोग कभी उसका बुरा नहीं कर पाओगे। अब शिवानी के मन में सवाल था कि क्या ईश्वर सिर्फ रीना के साथ है, उसके साथ नहीं? लेकिन उसे सुकून था कि वो अभिषेक के साथ उसकी जिम्मेदारियों को निभाने में बराबरी की हकदार है।
शिवानी वहां से चली जाती है। वो सास से कुछ नहीं कहती क्योंकि अमीर घर की बहू बनकर रीना को भले ही सुकून ना हो लेकिन गरीब घर की बहू बनकर शिवानी खुश है क्योंकि खुशी पैसों से नहीं परिस्थितियों पर निर्भर करती है। अपने पराए घर की लड़ाइयां कितनी भी हो लेकिन ये भी सच है कि किसी पर कोई आपत्ति हो तो अपना ही परिवार साथ देता है। भैया मेरे पीछे पुलिस लगी है, प्लीज मुझे बचा लो। रवि और राज दो भाई लेकिन दोनों में कभी नहीं पटी। अरे क्या हुआ छोटे, क्या कर दिया तूने? अरे कुछ नहीं भैया, मेरा दोस्त है ना राजू, वो मुझे लेकर बैंक गया था। मुझे नहीं पता भैया कि वो वहाँ बैंक लूटने जा रहा है। मैं उसके साथ बैंक में घुसते ही सीसीटीवी कैमरे में दिख गया हूँ। अब पुलिस मुझे ढूंढ रही है, भैया मुझे बचा लो। राज कुछ सोचता है फिर कहता है, ओके तुम यही रुको, मेरा एक दोस्त पुलिस में है, मैं बात करता हूँ। तभी वहाँ रवि की बीवी राज की बीवी के साथ आ जाती है। तुम लोगों के घर जब तक पुलिस का आना जाना है, बच्चों को यहीं छोड़ दो, उन पर असर ठीक नहीं पड़ेगा। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। चलो चलो कौन है रवि, थाने चलो। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता। अरे वो तो पुलिस स्टेशन चलकर ही पता चलेगा कि कुछ पता है कि नहीं, चलो। कहानी का फ्लैशबैक। भैया मुझे मेरे मकान में हक चाहिए ही चाहिए। अरे लेकिन छोटे अभी मेरे बच्चों पर काफी खर्चा है, तेरी भाभी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती, बजट बिल्कुल नहीं है कि मैं अलग होकर रहूं। देख लो भैया एक महीना है तुम्हारे पास, जल्दी से घर खाली कर दो। अरे कैसी बात कर रहे हैं भैया, मेरे शरीर में अभी इतनी हिम्मत भी नहीं कि घर को खाली करे। तो क्यों अपना पोषण बेचा भाभी? अरे तुम तो जानती हो पिताजी की बीमारी के कारण उन्हें हमारी जरूरत थी, कैसे आते पैसे। ससुर जी तो बूढ़े थे भाभी, उनकी बीमारी में भी पैसे लगाना कौन सा अकल का काम था। तो क्या पिताजी को मैं मरने के लिए छोड़ देता? अरे रवि तू तो समझ, पापा को हमारी जरूरत थी, उन्होंने हमारे लिए हर वो काम किया जिससे हमें खुशी मिले। बैक टू रवि जो जेल में बैठा है। ये मैंने क्या कर दिया था, मैं ना पिता का हुआ ना ही भैया का, मेरे साथ जो हो रहा है ठीक ही हो रहा है। तभी वहाँ पुलिस वाला आता है। रवि तुमसे कोई मिलने आया है। भाभी आप यहाँ क्यों आई, पुलिस स्टेशन है ये भाभी। भैया आपकी जगह मेरा भाई होता तो क्या मैं नहीं आती। अच्छा ये खाना ले लीजिए, खा लीजिएगा। आपके भैया लगे हैं वकीलों और पुलिस वालों से बात करने में, डरने की कोई बात नहीं, जब आपने गुनाह किया ही नहीं तो सजा भी नहीं मिलेगी। रवि भाभी को देखकर रोने लगता है। घर में साक्षी चुपचाप बैठी होती है कि तभी सोनम कहती है, अरे साक्षी क्या हुआ, परेशान क्यों हो रही हो? भाभी अभी अभी पुलिस स्टेशन से खबर आई है, इन्हें बड़े जेल में शिफ्ट किया जा रहा है, मैं क्या करूंगी भाभी। रो मत, हम अच्छे से अच्छा वकील करेंगे। लेकिन उसमें तो बड़े पैसे लगेंगे दीदी, हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? अरे क्यों, ये मकान है ना और मेरे कुछ गहने भी हैं। साक्षी की आंखों में पानी आ जाता है। पर दीदी ये तो आप और भैया की मेहनत की कमाई है। पापा के बाद भी तो हम लोगों का सब खत्म हो गया था, पापा को तो बचा नहीं पाए लेकिन भैया को जरूर बचा लेंगे, और भगवान चाहेंगे ना तो दोनों भाई मिलकर इससे भी बड़ा मकान खड़ा कर लेंगे। साक्षी थोड़ी देर में राज वहां आता है। सोनम सही कह रही है साक्षी, पैसों की कमी के कारण किसी भी बेगुनाह को सजा नहीं मिलती। राज एक अच्छा सा वकील करता है। सोनम और साक्षी बचाए पैसे और अपने गहनों को बेचकर रवि का केस लड़ते हैं और जल्द ही रवि जेल से बाहर आ जाता है। रवि राज को गले लगाकर कहता है, भैया मुझे माफ कर दो, मुझे साक्षी ने सब कुछ बताया है। भैया आपने मुझ पर विश्वास किया, मेरे लिए दिन रात मेहनत की, भाभी ने अपने गहने तक बेच दिए। भैया आपने तो पापा के लिए भी पैसे नहीं देखे, लेकिन मैं बहुत ही सेल्फिश निकला। भैया एक आखिरी बार मुझे माफ कर दो, मैं शर्मिंदा हूँ। अरे भाई अपने तो अपने ही होते हैं, पापा ने हमारे लिए क्या नहीं किया ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है मुझे, और फिर तू तो मेरा भाई है, पैसे से बढ़कर रिश्ते होते हैं भाई।